तो हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने पिछला रैंक सीजन सोलो खेला था एंड लास्ट में सीजन के 15 दिन पहले मैंने रैंक पुशिंग ही क्विट कर दी। एंड फिर जब आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस मांग रहे थे तब मैंने स्क्वाड और डुओ के दो दो मैच खेले एंड आपको वीडियो दे दिया था। अब इस न्यू सीजन में मैं हीरोइक 5 स्टार रैंक पुशिंग करने वाला हूं, तो ये मेरा पहला मैच है स्क्वाड का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोलो गेम प्ले किया था एंड उसके बाद 15 दिन के लिए रैंक पुशिंग भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरा गेम प्ले काफी ज्यादा खराब हो गया। इवन मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे भी मर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एमिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। एंड इस मैच में हमारे साथ खेल रहे थे प्लेयर भाई, रेक्सू एंड राज। एंड प्लेयर भाई ने पहले ही मैच में पीक पे उतार दिया एंड हमारे साथ उतरी थी 2-3 स्क्वाड। ऊपर से ये डेली मिशन का मैच है तो ये मेरे को बुया निकालना ही पड़ेगा। उतरते ही मुझे ट्रोगन मिल गई है एंड एक एनिमी अंदर आ रहा है, डैमेज करते हैं। भाई मुक्के से मारने की कोशिश कर रहा है। ओके, फाइनली नॉक कर दिया है, सोनिया लेके आया था। फिनिश करते हैं, यहाँ पर मैं पहला किल निकाल लेता हूँ। अब यहाँ प्लेयर भाई के पास भी काफी ज्यादा एनिमी है, उनके पास से फायरिंग का साउंड आ रहा है एंड इधर लेफ्ट साइड में भी मेरे एनिमी है, तो प्लेयर भाई के पास चल के उनको कवर देते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड से एनिमी का साउंड आ रहा है फुट स्टेप का। ओके, सामने एनिमी है। अब क्योंकि मैं ट्रोगन बहुत ही कम चलाता हूँ तो मेरे को दिमाग में आया ही नहीं कि भाई ग्रेनेड लॉन्चर से एनिमी को डैमेज कर सकते हैं, तो मैं सीधे रश कर देता हूँ। अब मैं रश तो करता हूँ बट मेरे रश करने से पहले ये एनिमी भाग गया होता है एंड बहुत ज्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा होता है राइट साइड में। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ मेरे को एक एनिमी ओपन में दिखता है एंड उसे मैं नॉक करके उठा लेता हूँ किल। बट तभी मेरे को एक एनिमी डबल वेक्टर से डैमेज करता है एंड मेरे को कर देता है नॉक, कि तभी रेक्सू मेरे को कवर देता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बच जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे ही बचता हूँ एंड ये वाला एनिमी खत्म होता है तब पूरे पीक में शांति छा जाती है, मतलब कोई भी फायरिंग का साउंड नहीं आ रहा होता है, कि तभी रेक्सू होमर छोड़ देता है एंड रेक्सू जैसे ही होमर छोड़ता है एक एनिमी हमें स्पॉट हो जाता है एंड फिर उसे बहुत ही तगड़ा वाला हेडशॉट पड़ता है। एंड आप एक बार रेक्सू का एचपी देखो, अगर मैं उस एनिमी को हेडशॉट नहीं देता तो यहाँ पर रेक्सू नॉक हो जाता। इस एनिमी को मारने के बाद पूरे पीक पे कोई भी एनिमी नहीं होता है क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी एनिमी पीक पे नहीं मिलता है। अब क्योंकि पीक पे एनिमी नहीं होते हैं एंड स्क्वाड में हमें किल का ही ज्यादा से ज्यादा प्लस मिलता है क्योंकि उसके अलावा हमें प्लस मिलता नहीं है क्योंकि ये सोलो मैच नहीं है, तो हम लोग आर्सेनल किल लेके आर्सेनल लूटते हैं एंड फिर निकल जाते हैं एनिमी को किल करने के लिए। पॉन्चिनोक आते ही पहली नजर में मुझे एनिमी दिखता है एंड फिर मैं उसे नॉक भी कर देता हूँ। एंड जैसे ही उस एनिमी को नॉक करता हूँ ये देखो भाई, ऊपर से एनिमी लैंड कर रहे हैं दोनों तरफ। एंड यहाँ पर जैसे कि सारे पॉन्चिनोक के एनिमी वेट कर रहे थे कि उत्कर्ष भाई एंड प्लेयर भाई की स्क्वाड आएगी तब हम फाइट करेंगे। एंड मैप में तो सिर्फ रेड डॉट ही आ रहे थे एंड उसी के साथ में एक एनिमी गाड़ी से आ रहा था जिसे रेक्सू नॉक कर देता है। अभी वो दिमित्री से रिवाइव तो हो रहा था बट मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, किल दे ही देते हैं वरना मैं इस किल को उठा सकता था। तो सबसे पहले हम लोग डबल डोर के अंदर चल के देखते हैं कि भाई कहां कहां पे एनिमी है, एनिमी को स्पॉट करते हैं। एक तो सामने ही दिख रहा है, यहां पे बरामदे में है मल्टी विंडो के, होमर लगा है उसे, रेक्सू रश कर ही दिया है, नॉक करता है कि नहीं। ओके, रेक्सू ने नॉक कर दिया है। अब हम लोग जाके उस एनिमी को क्लियर करते हैं, थोड़ा लूट ले लेते हैं क्योंकि एमओ की कमी पड़ रही है। भाई साहब देख रहे हो, उतरते ही डैमेज पड़ रहा है, हल्का सा कवर छोड़ रहा हूँ तो डैमेज, फिर से डैमेज पड़ गया। कहां पे है एनिमी? ओके, वो देखो सीमेंटेड पे है, बट उसे मैं मारूं कैसे? ओके, वो खुद ही कूद के आ रहा है भाई, रश करने की कोशिश कर रहा है। इसे नहीं पता क्या कि मैं भी ठीक ठाक ही खेल लेता हूँ भाई। ले भाई, ज़्यादा हो रहा था। इस एनिमी को नॉक करके कन्फर्म कर दिया है, अब इसे लूट कर लेते हैं क्योंकि एमओ मेरे पास नहीं है, बहुत ही कम बची है। सो हमने एमओ तो उठा लिया है, अब इस घर पे चलते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट घर है कवर लेके मारने के लिए। अरे प्लेयर भाई नॉक हो गए भाई, एनिमी तो छत के ऊपर है बट मैं यहाँ पर पॉकेट मार्केट का यूज करके प्लेयर भाई को रिवाइव दे देता हूँ। एंड ये लो, प्लेयर भाई ऊपर ही उतर गए एंड नॉक भी हो गए। ऊपर क्यों उतरे भाई जब आपके पास गन ही नहीं थी? सामने की साइड में वेंडिंग मशीन गिरी है तो फटाफट से मैं वहाँ पे जाके रिवाइव दे देता हूँ। बाकी फायरिंग भाई चारों तरफ से आ रही है पॉन्चिनोक पे एंड दो दो गाड़ी चल रही है मैप में। देखो यार, देखो यहाँ पे कोई XM8 चला रहा है। तो प्लेयर भाई को रिवाइव कर ही दिया है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जोन भी काफी ज्यादा दूर बना है एंड श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा एनिमी है। अब यहाँ पर फाइट लेंगे तो हम या तो जोन से मरेंगे या तो हमें एनिमी मार देगा, तो फटाफट से यहाँ से निकलना ही ज्यादा बेटर रहेगा एंड हम लोग निकलने वाले। वो देखो सामने एनिमी, डैमेज करते हैं, काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। स्काइलर छोड़ दूं, क्या पता मर जाए। ओके, अरे यार बच गया, ये फिर से बच गया। बच के कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? मार तो दूंगा ही मैं। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। निकला, ओ भाई क्या हेडशॉट लगा है। तो अगर आप लोग अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाक से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, और ये काम मेरे बोलते ही कर लो वरना आप भूल जाओगे। सो जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो ही चुका है एंड अभी हम लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो अब हमें होना पड़ेगा असेंबल। Avengers!
तो यहाँ पर हमें एक एनिमी दिखता है जिसे प्लेयर भाई नॉक करते हैं एंड मैं उनका किल कंफर्म कर देता हूँ एंड प्लेयर भाई को यहाँ पर एक किल मिल जाता है। बट वहाँ पर लगभग दो एनिमी थे। अब इसीलिए मैं यहाँ पर स्कोप ओपन करके एम करके स्काइलर छोड़ता हूँ, बट वो एनिमी नीचे की ओर भाग गया था। अब हम लोग सीधे रश करने का प्लान बनाते हैं एंड मैं और प्लेयर भाई एंड पीछे पीछे हमारे टीममेट आ रहे होते हैं कि तभी प्लेयर भाई को डैमेज पड़ता है जो कि लेफ्ट साइड में एनिमी होता है एंड उसे एक नंबर का हेडशॉट लगता है। दिमित्री लगा के सोच रहा है कि बच जाएगा बट उसका जवाब से बचना नामुमकिन है भाई। अब अगर तुम लोग मेरे सामने आने के बाद एक गोली में ही मर रहे हो तो भाई इतना लूट लेके क्या करोगे? क्यों लूटते हो? इस पे कितना तगड़ा लूट था पता है? अब यहाँ पर नीचे में एक एनिमी है, उसे मैंने नॉक कर दिया है। बस एम कर रहा था भाई, आराम से नॉक हो गया। अब देखते ही देखते 8 किल हो गए एंड आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा एमिंग सही से बैठ नहीं रहा एंड पता नहीं इस मैच में इतना तगड़ा एमिंग कैसे बैठ रहा है मेरा यार। सो बात करें अगर गेम की तो यहाँ पर जोन छोटा हो चुका है एंड अब हम लोग सोच रहे हैं कि मल्टी विंडो पकड़ लेते हैं क्योंकि वहां से हमें बहुत सारे किल सिक्योर करने को मिल जाएंगे एंड फिर हम लोग मल्टी विंडो निकल पड़े कि तभी एक एनिमी गाड़ी लेके जा रहा होता है। अब इस हेडशॉट के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, लिटरली कोई शब्द नहीं है भाई इस हेडशॉट को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ऐसा हेडशॉट लाखों करोड़ों अरबों सालों में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है बट लाइक करते ही नहीं। एंड ये देखो जैसे ही हम लोग मल्टी विंडो के पास आते हैं भाई आर्सेनल के पास एनिमी की फायरिंग साउंड आता है एंड ऊपर में भी एनिमी है। ये देखो यहाँ पर एक एनिमी लूट रहा है, इसको मैंने डैमेज कर दिया है, डिमेट्री ऑन कर लिया है लेकिन बच नहीं पाएगा, स्काइलर छोड़ दिया है। अरे यार नीचे से एनिमी मार रहा है अभी, क्यों भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, एक को मारने दो। ओके नॉक सोनिया, ओके ओके बच गया भाई, ये किल मिल जाएगा, मिल जा भाई मिल जा मिल जा मिल जा। भाई नीचे वाला तो नाक में दम करके रख दिया है एकदम, नीचे वाला थर्ड पार्टी करने के चक्कर में था बट सही टाइम पे मेरे को वो किल मिला एंड मैं चुपचाप निकल लिया वहां से। फटाफट से हील कर लेता हूँ क्योंकि चारों तरफ एनिमी है, कब कहां से पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी स्क्वाड अभी अपने साथ ही है एंड चारों बंदे जिंदा है तो बुआ होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर एक एनिमी ने AWM मारा है, स्काइलर छोड़ता हूँ। ओके एक एनिमी दिखा, ये किल तो प्लेयर भाई ने ले गए। भाई क्यों भाई उठा रहे हो मेरे किल, कहाँ कहाँ पे एनिमी है? यहाँ नीचे में तो नहीं दिख रहा, नीचे वाला कहाँ गया जो मेरे को मारा था? देखो फायरिंग का साउंड आ रहा है, दो दो एनिमी आ रहे हैं भाई साहब, दो दो आ रहे हैं। अरे 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 अरे, अरे, अरे कहाँ से कहाँ पे है कहाँ पे? अच्छा वो वुडन के पास में है देखो कॉर्नर पे, भाई जोन के बाहर से मार रहा है। एक नॉक मैंने कर दिया है, ये किल चुरा लिया भाई साहब बराबर, एक एनिमी जोन में ही। ओके भाई क्या कर रहा था ये, नॉक हो गया था क्या ऑलरेडी? तो यहाँ पर हमने 12 किल कंप्लीट कर लिया है एंड अभी बच रहे हैं 9 बंदे जिसमें से 4 हम ही है, तो मतलब 5 एनिमी बच रहे हैं। तो हो सकता है कि एक स्क्वाड और एक लास्ट एनिमी बच रहा हो या फिर बहुत कुछ हो सकता है कि भाई दो दो एनिमी हर स्क्वाड के बच रहे हो, वो सब तो बात की बात है। फिलहाल हमारे साइड में तो अभी कोई भी एनिमी नहीं है क्योंकि जिस तरफ से हम आए हैं ना वहां पर हमने सारे एनिमी को क्लियर करते हुए आए हैं, तो हमारे साइड में तो कोई एनिमी नहीं है बट मिल की साइड पे एनिमी हो सकते हैं एंड जोन भी उन्हीं के साइड में है तो प्रोबेबली होंगे ही तो उधर ही साइड में। तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि यार हाइट का एडवांटेज है, अगर हम लोग जाएंगे ऊपर में तो हम मर सकते हैं। सो इसलिए अभी हम लोग पेड़ का कवर लेके चुपचाप होल्ड करेंगे एंड यहाँ पर ये क्या होल्ड की बात ही कर रहा था एंड यहाँ पर राज जो कि प्लेयर भाई का ही नाम रखा है वो फिनिश हो गया है। अब यहाँ सामने में वॉल लगी है तो एनिमी हो सकता है वहाँ पे, बट मुझे क्या, मैं तो अभी फायरिंग दूंगा ही नहीं जब तक मैं मतलब जोन में ना चला जाऊं। बाकी पीछे से प्लेयर भाई एंड रक्सू एनिमी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जोन बन चुका है एंड अभी क्या सीन है कि भाई सामने में एनिमी है टावर पे एंड जैसे ही मैं यहाँ पे निकलता हूँ एनिमी मेरे को डैमेज देता है कि तभी प्लेयर भाई उस एनिमी को नॉक कर देते हैं। तो अब सामने का रास्ता साफ हो चुका है, सो अब हम लोग जोन कैप्चर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इस मैच को बुआ निकाल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि भाई एनिमी कहाँ पे है। वैसे एनिमी के किल फीड तो आ रहे हैं। ओके यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में एनिमी है तो हम लोग अभी जोन कैप्चर कर लेते हैं सबसे पहले तो, एंड उसके बाद हम लोग रश करके एनिमी को फिनिश कर सकते हैं। तो मतलब 5 बंदे बच रहे हैं जिसमें से 3 हम ही हैं। ओके तो एक एनिमी ये खत्म हुआ तो अभी 4 बंदे बच रहे हैं, सिर्फ लास्ट एनिमी बच रहा है। अब लास्ट एनिमी का किल रेक्सू मांग रहा था बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रश करने की कोशिश किया एंड रेक्सू ने भी होमर छोड़ ही दिया था तो मैंने सोचा मेरे 12 किल हैं ही तो भाई ये किल को छोड़ ही देते हैं एंड फिर यहाँ पर ये किल रेक्सू ले जाता है भाई। एंड यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं खत्म क्योंकि हमारा हो चुका है बुआ। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि हमें 50K पहुंचना है भाई, 50K ठीक है इसी साल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।